Good morning to you all, and happy Friday, and have a cup of tea. So today I'm gonna tell some misunderstanding words. जो कि मुझे कमेंट्स में जो हमारी जाति लोग गारो लोग कुछ लोग ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया है उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप बिल्कुल भी गारो नहीं आता है क्या. एक्चुअली मैं भी मेरा पापा है मराक और बियालिन के मराक का बेटी हूँ मैं और मेरा मम्मी का नाम है एजेमोनी डी सांगमा. मैं गारो कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ और मैं भी गारो ही हूँ. तो मुझे मतलब कि ये सवाल का मुझे आज जवाब देना है. सो गाइस और फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये हिंदी जो है हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है, इसमें हम लोग गर्व होना चाहिए. और हमारे हिंदुस्तान में यानी कि हमारी भारत में तो हिंदी भाषा सबसे आगे है और सेकेंड इंटरनेशनल आता है इंग्लिश में. तो भाषा कोई वो नहीं होता है, लेकिन हम लोग हमेशा जय हिंद जय भारत हमेशा हम लोग भारत में रह के भी ये हिंदी भाषा को छोटा ना ले, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है. इसलिए सभी गारो जाति लोग को मैं कहना चाहता हूँ, जितना हो सके आप लोग भी सीखिए. और इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ ये भी समझिए, क्योंकि हमारे जितना भी यूट्यूबर्स लोग हैं, जैसे कि गारो हिल्स का हो या आसाम का हो, जितना भी गारो लोग हैं वो लोग मतलब हमेशा गारो भाषा में बात करते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी में से एक में, क्योंकि ये यूट्यूब जो है, यूट्यूब मीन्स सभी के लिए जो यूट्यूब हम लोग अपलोड करते हैं, ये सिर्फ गारो जाति नहीं देखता है, बल्कि सारे इंडिया देखता है. और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मेरा फॉलोवर्स है और जितना भी मेरा यूट्यूबर सब्सक्राइबर लुक है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अदर कास्ट का होता है और दूसरा जाति ही ज़्यादा होता है. सो मेरा एरिया बड़ा है, उसी कारण से मैं हिंदी से सब लोग ने मुझे, जब मैं यूट्यूब खुलने से पहले ही सब ने मुझे मोटिवेशन किया और जितना भी मुझे सपोर्ट किया सब दूसरा जाति का ही है. तो मेरा दोस्त लोग ने बोला है कि आप एक यूट्यूब खोल लो और आपको तो हर भाषा आता ही है. वैसे तो सब भाषा तो आता ही है मुझे, लेकिन मुझे अपना हिंदी भाषा और राष्ट्रीय भाषा मुझे बहुत प्यारा है, इसी कारण से मैं हिंदी में यूट्यूब खुला हूँ. और मैं कहना चाहता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ सब गारो लोग से कि मेरा भाषा शायद किसी को समझ में नहीं आता है. लेकिन एक चीज़ है, ये जो मेरा वीडियो है सिर्फ गारो नहीं देख रहा है, बल्कि और अदर कास्ट का भी और अदर ट्राइब का भी देख रहा है. इसी कारण से मैं सभी को जानने के लिए या सबको ताकि समझ में आए, इसी के लिए मैं ये हिंदी में बात करता हूँ. इसलिए क्षमा जाता हूँ हर गारो लोग के लिए. प्रसाद है आज चट्रांगना देखे आगन अपना कथा सकेंगा खेमा खाबो आंगा हिंदी माइनी गमन आगाना ये आंसिंग इंडिया आसोंग हिंदियंस खांग लैंग्वेज चौंगानी गमन आंगा या हिंदी को आगाना कथा नामनका आंगनी यूट्यूब चैनलों आंको कमेंट्स रंगो मंदिर आगाना गारो मंजा थेक थेक इंदी बांगा गारोन गारो मना आरो गारोची आंगा आगान गेंचिमो दे गबन जात्रांग उइस खाजा उनी गमन इया आंगनी यूट्यूब चैनल दे गारो रंगना सा नुमाइजा गमक जाता निशोसिना आरो गमक जातना नांगा यखो थारिया आरो आंगनी एरिया दाला उनी गमन आचक जात्रांगो आंगा खेमा बिया आंगा आचक मंदे उंगेबा गारो खुसखो आगाना नि गमन खेमा खाचिना गता आंगा साकान जिकन मोला आंगनि भिडिअखौ नामनो गेनसिमदे नासुं शेयर खालामना गत्ता मानगेन आरो कमेन्ट्स खालामना गत्ता मानगेन कमेन्ट्स दं नासुं जेखौ नांदोका नासिमां नाङा आगान साखना गत्ता नेंदोकजा उनि गोमोन नासुं कमेन्ट्स रांआव आंखौ से आगान आपना गत्ता मानगेन नासुं आंनि भिडिअखौ नामनो गदे लाइक खाफाबो शेयर खाफाबो आरो साबस्क्राइब खालामना गुवालना बे दे मथेला साखान्थिखन फसादाय सखान्थिखौ रोमसाकसुआ या गोदालगोपा आंनि भिडिअ ना दालो माइनि गोमोन आंखौ कमेन्ट्स रांआव मान्देरां गारो मान्जा थेक थेक गारो मान्दे अंजामा ओन्दोके कुइसन खाथेङा खेमा खाबर पेंग्रां इन्डिया सङो गारो गारो सान अंजा आंजों गारो हिल्सो सान गारो रा रङाया आरो आसामाव सान गारो रां अंनाबो दङा
bebera aro anga uya bang bata somai rangon anjing india asong oba banga garo jatrang aro ba dingtang dingtang biap rango garo songdong parang donga diba iya angni youtube channel kulia ni de garo rangna sanong ja kamak jatna nong china aro iya hindi de anjing ni india ni skangpa rashtri rashtri language ong ani gaman yan skangpa hindi language ko de anjing agana nang chongmota aro manna bananga de jako de jichi jachi songre oba hindi de menunga mo aru na uasa nongki ja english de international sa nong aya uni gaman sakanti kon mathela ya angi gatal gapa video na song subscribe kha kuja ode subscribe kha pabo aru share kha bo follow up kha bo sakanti kon mathela ya amisha ya da sine nang ni video thariyo kha dangi roinga mo then mathela sakanti kon aro dalni video anga dingthang man cha dalo ya angni nononi de mchka ba ye exam ma chote mang dawre ba jokna bini bimung ko de amisha ke sangma manga anga de di sangma means anga direct and then ya angni nono de ke sangma ya merita sangma ni de mchko nga de angni video thari matungo biari bari bainga uni gaman सो ये है हमारी बहन की लड़की है और इसका हम डायरेक्ट महारी से बिलोंग्स करती है यानी कि डायरेक्ट रिलेटिव से और ये कोक्सी महारी से बिलोंग्स करते हैं तो इस वक्त मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जाता हूँ इस वक्त मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही है एक्चुअली मैं कल फ्लिपकार्ट से एक टी शर्ट ऑर्डर दिया था नाइकी का लेकिन एक्चुअली मैं कहना तो नहीं जाता लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी है ये जो नाइकी का टी शर्ट है ये बिल्कुल भी पुरानी है और ये देखिए कलाई कलाई कितना बार ढीला हो चुका है और इसमें चिपकाया गया है ये नाइकी का ओरिजिनल जो प्राइस चिपकाया जाता है ये ऑलरेडी चिपकाया है लेकिन ये एक बिल्कुल भी ये पुराना है इतना ढीला और डिसकलर ऑलरेडी हो चुका है और नया ब्लैक कलर में ऐसा कभी नहीं आता मैंने कितना बार ऑर्डर कर चुका है और कि फ्लिपकार्ट में मेरा 2 लाख अबव शॉपिंग है तो इस वक्त ही मुझे ऐसा पुराना कपड़ा सेकेंड हैंड मिला है सो ये अगर हमारी यहाँ का लोग जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उन लोगों को तो शायद ऑनलाइन जो लेके आता है यानी कि डिलीवरी बॉयज लोग ही गाली देता था कि ये पुराना क्यों दिया है वैसा है फलाना है सब कुछ बोलता था लेकिन मैं समझता हूँ ये डिलीवरी बॉय लोग का कोई गलती नहीं है ये एक्चुअली में फ्लिपकार्ट कंपनी से आता है और दूधनाई में आके जमा होता है वो स्टॉक रूम है तो वहाँ से यहाँ तक हम लोग का गाँव तक सप्लाई होता है इसीलिए डिलीवरी बॉय लोग का कोई गलती नहीं है ये फ्लिपकार्ट वाला लोग का ही गलती है सो फ्लिपकार्ट ऑर्डर देता है तो अपना बैंक अकाउंट हमेशा अटैच करना ताकि आप रिटर्न करें या एक्सचेंज करें तो रिटर्न करने का साथ साथ में आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा इसलिए चिंता मत करना हमेशा अकाउंट अटैच करो इसके बाद में फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर ले लो क्योंकि मैं तो फ्लिपकार्ट का ही हमेशा यूज़ करता हूँ वो लगभग मैं 3 साल हो चुका है फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर देते देते तो मेरा 2 लाख का अब हो गया शॉपिंग सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और वीडियो में मेरा वीडियो में बने रहने के लिए सबके लिए धन्यवाद और हमेशा मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना कमेंट्स में हमेशा बता देना और आप लोग सपोर्ट करते रहो इसके बाद में शेयर करना फॉलो अप करना थैंक यू गाइस बाय बाय ये फ्लिपकार्ट का जो सामान है जो नाइकी का जो टी शर्ट है इसका प्राइस तो यहाँ पर 727 लिखा है लेकिन मैंने 50 ऑलरेडी ऑनलाइन पेड कर चुका है तो 777 होता है इसका दाम का साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है और ये फ्लिपकार्ट का सामान तो एकदम ठोकबाजी हो रहा है रे हम लोग जैसा अच्छा कस्टमर आप लोग खो देगा